भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए तीन और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंच गए हैं। बुधवार को राफेल विमानों का तीसरा जत्था वायुसेना के बेस IAF पर लैंड हुआ। इन तीनों विमानों के भारत पहुंचने के बाद वायुसेना के बेड़े में शामिल राफेल की संख्या अब 11 हो गई है। आपको बता दें कि ये तीनों राफेल लड़ाकू विमान 7000 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा कर भारत पहुंचे हैं। रास्ते में UAE की वायुसेना द्वारा आसमान में ही इनमें फ्यूल भरा गया। भारतीय वायुसेना ने राफेल में फ्यूल भरने पर UAE की वायुसेना को धन्यवाद किया। मालूम हो कि इससे पहले 5 राफेल विमानों के पहले बैच को 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। इसके बाद नवंबर 2020 में 3 और राफेल विमान भारत पहुंचे थे। इसके बाद आज 3 और विमान भारत पहुंच गए हैं। इस तरह कुल 11 राफेल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। सीमा पर चीन से तनाव के बीच अगले साल अप्रैल तक भारत को कुल 21 राफेल विमान फ्रांस से मिलेंगे। 21 राफेल विमानों की डिलीवरी के साथ ही भारत वायुसेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व इजाफा होगा। बता दें कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 लड़ाकू विमानों के लिए सौदा किया था। गौरतलब है कि भारतीय सेना खुद को मजबूत करने में जुटी है। इस क्रम में हथियारों की खरीद के साथ वह स्वदेशी हथियारों पर भी जोर दे रही है। हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने साझा युद्धाभ्यास भी किया है। दोनों देशों की वायुसेना के इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट नाइट का नाम दिया गया था, जिसकी शुरुआत राजस्थान के जोधपुर में हुई। गौरतलब है कि राफेल विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के बाद यह पैसा पहला अवसर था जब फ्रांस से आया यह लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास का हिस्सा बना।